हेलो दोस्तों, आज पॉलिटिकल लेक्चर 24 है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे, जो मेरा आज का टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव है। काफ़ी दिन बहुत पॉलिटी होने वाली है, लेकिन मैं ट्राई यही करूंगी कि ये हमारा रेगुलर ही रहे, ठीक है, बीच में गैप ना हो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो टॉपिक लिया वो हमारा द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी को लिया है। तो इसको जो मैंने लिया है ये क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया, जिससे आप लोग को आसान भी रहेगा समझने में। तो पहले मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला ही जैसे क्वेश्चन ही यहाँ पे भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। तो ठीक है, चलिए इसको पूरा ही समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी है, उसके पद का जो सृजन है संविधान के पार्ट किसमें, भाग 5 में है। और अगर आर्टिकल की बात करी जाए तो आर्टिकल हमारा क्या है, 6 है, ओके। और ये जो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इतना हो गया हमारा। और ये क्या करता है, भारत सरकार को जो कानूनी मामले होते हैं या विधिक मामले होते हैं उसमें सलाह देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये हमारे भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और भारत सरकार को कानूनी मामले या विधिक मामले में सलाह भी देता है। लेकिन ये क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध को सलाह नहीं दे सकता है। उनको सलाह तो देता है, लेकिन अगर इनके विरुद्ध कोई सलाह की बात करी जाए तो ये नहीं दे सकता है और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी भी कर सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसकी बात हुई, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पे की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसकी सलाह पे की जाती है, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, ओके। इतना हो गया। और ये जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। और जो इसकी योग्यता होती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो जज बनने के लिए योग्यता होती है, वही भारत के महान्यायवादी की भी योग्यता होती है, ओके। इतना हो गया। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया, अभी मैं पीछे के क्वेश्चन के उसके आंसर लिख दूंगी, फिलहाल आर्टिकल 88 की बात करें कि आर्टिकल 88 है क्या के। तो देखिए आर्टिकल 88 हमारा ये है, उसमें ये बोला गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, मतलब जो पार्लियामेंट में संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और जो अपने विचार है उनको भी व्यक्त कर सकता है, अपने विचार को संसद में रख सकता है। लेकिन बात यह है कि ये क्या करता है, मतदान नहीं दे सकता है। ये अपने विचार को रख सकता है, उसमें भाग ले सकता है वहां संसद, लेकिन क्या है कि उस पे मतदान की अगर बात करी जाए तो वो ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये मंत्रिमंडल का सदस्य तो होता नहीं है, ठीक है। बस इससे ये शक्ति दी गई है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले और विचार व्यक्त कर सके, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और क्या होता है, जो भारत का महान्यायवादी होती है उसकी सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अनसॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करी गई है। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही बोला गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है यहाँ पे हमारे संविधान में दिया गया, मतलब हमारा जो संविधान के भाग 5 आर्टिकल 76 है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। तो मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद हमारे संविधान में उसका सृजन है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिसिटर जनरल की बात करी जाए तो वो भारत सरकार के द्वारा सृजित है, ना कि हमारे संविधान में उसके बारे में है। तो अगर ये पूछा जाए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ जो इंडिया मतलब है, तो उसका जो पद है वो क्या संविधान में है, तो नहीं, वो भारत सरकार के द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। उसको सृजित क्यों किया गया, कि भारत का जो महान्यायवादी है मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी हेल्प करने के लिए किया गया है। तो महान्यायवादी की सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल या 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और क्या है, जैसे कि इतना तो हमारा ये टॉपिक मैंने जो है काफी बता दिया, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है और प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो देखिए, जो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के महान्यायवादी की बात करी जाए तो वो कौन है, MCC तलवाड़ है। कौन है, MC सीतल, हिंदी में लिख दे रही हूँ, सीतल वॉर्ड है, ठीक है। तो अगर एम की बात करी जाए तो एम का फुल फॉर्म होता है मोतीलाल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोतीलाल। और सी का है चिमनलाल, ठीक है, सी का क्या है, चिमन लाल है,
ओके, तो एमसी सीतलवार, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार, आप एमसी सीतलवार भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो एमसी सीतलवार जो है वो 1950 से 1963 तक, 1950 से लेके 1963 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी के पद पे रहते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात करी जाए, पहले तो ये हो गया एमसी सीतलवार हो गए, अगर प्रेजेंट की बात करी जाए तो वो कौन है, तो देखिए 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को बनाया जाता है। कौन है? के वेणुगोपाल है प्रेजेंट में हमारे, ये मैंने लिख भी दिया गया है, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आंसर करते हैं। भारत सर, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत सरकार के महान्यायवादी के पद का सृजन संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है, तो किसमें बोला गया, भाग हमारा क्या है, 5 है, और आर्टिकल की बात करी जाए तो आर्टिकल क्या है, 76 है, ओके। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाँ, ये छूट गया, भारत सरकार के विधिक सलाहकार कौन होता है, तो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 88 की बात करी गई, तो अभी मैंने उसे बता ही दिया गया था कि आर्टिकल 88 में हमारे पास क्या है कि वह जो महान्यायवादी वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, उस पर अपने विचार को रख सकता है, विचार को व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता, ये आर्टिकल 88 है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, एमसी सीतलवाड़ है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ है, ठीक है। और प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है, जो कि 15वें अगर क्रम की बात की जाए तो 15वें क्रम में है, ठीक है। प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। देखिए अभी जो थे वो कौन थे, अभी रिसेंटली की बात है कि तुषार मेहता को बनाया गया है, मतलब इन्होंने रंजीत कुमार का स्थान लिया है, तो प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता, जिन्होंने रंजीत कुमार का स्थान लिया है। एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी, क्योंकि मैं यूपी से हूं तो आप अपने अपने स्टेट का एडवोकेट जनरल भी ध्यान रखिएगा। देखिए जिस तरीके यहां पे क्या है कि भारत सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है, अगर सेंटर की बात करी जाए तो कौन होता है, ये महान्यायवादी होता है, तो उसी तरीके जो अगर राज्य की बात करें जो सलाहकार होता है तो कौन होता है, वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी कौन है, राघवेंद्र सिंह है। कौन है, राघवेंद्र सिंह है। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि भारत के उप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मंत्री जो है वो कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो सबसे पहली बात, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है या हमारा जो उप प्रधानमंत्री है, उप प्रधान मंत्री, इसका जो है संविधान में कहीं पे भी इसके पद का सृजन नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है, पहली बात। और दूसरा, ये जब कभी जरूरत होती है तो संवैधानिक प्रावधानों से हटके इसके पद का सृजन कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अब तक अगर बोला जाए तो कितने उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं, तो 8 उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। 8 क्यों, वैसे तो देखिए अगर इसके पद उप प्रधानमंत्री के पद के सृजन की बात करें तो उप प्रधानमंत्री के पद के सृजन जो है वो 7 बार हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति है वो 8 बनाए गए, उसका मैं अभी रीजन बता रही हूँ क्या है, पहले और भी टॉपिक जो है। अगर ये बोला जाए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू के काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, 1947 से 1950 तक रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके काल में जो उप प्रधानमंत्री मतलब थे तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अगर ये बोला जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो ये तो हमारा दूसरे का आंसर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ओके। इतना हो गया। अब अगर बोला जाए कि इनका मतलब कि युग इन ये जो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, तो देखिए क्या होता है, अगर आप देखो तो जो उप प्रधानमंत्री होता है, जैसे मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री होते हैं उन्हीं की तरह ये भी होते हैं, ठीक है। इनकी स्थिति वहीं पे जैसे मंत्रिमंडल के और अन्य मंत्री होते हैं, तो इसी वजह से जब ये शपथ लेता है उप प्रधानमंत्री, तो अन्य मंत्री की तरह भी ये भी शपथ लेता है। उप प्रधानमंत्री जो होता है वो सिंपल जैसे मंत्री होते हैं कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल के, तो उन्हीं के रूप में ये शपथ लेता है। और अगर ये बोला जाए क्या, जैसे प्रधानमंत्री जैसे कि मान लो उसकी मृत्यु हो गई या वो नहीं है,
तो क्या ये उसकी जगह काम कर सकता है? तो देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को ये करता तो है, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु या कोई त्यागपत्र उसने दे दिया तो उसके बाद क्या होता है कि उसके पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है, तो मान लो राष्ट्रपति ने वहां से चला गया तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह ले सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये उसके कार्यों को तो करता है, लेकिन अगर मान लो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो ये त्यागपत्र दे देता है तो ये उसके पद को ग्रहण नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। रीजन क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र देने के बाद क्या होता है कि जो पूरा मंत्रिपरिषद होता है उसका क्या होता है, विघटन हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री मान लो अचानक बाय द वे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या अगर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है तो क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है तो मंत्रिपरिषद का क्या विघटन हो जाता है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। तो इस वजह से जब मंत्रिपरिषद का विघटन ही हो गया तो फिर वो कहाँ से उसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक मंत्री ही होता है, तो पूरे मंत्री का विघटन ही हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसकी जगह नहीं ले सकता है। और अभी मैंने क्या बताया कि इनके जो पद का सृजन अब तक किया गया है वो 7 बार किया गया है, और कितने व्यक्ति बनाए गए, 8 व्यक्ति। अब कैसे, पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मैंने बोला, ठीक है, किसके, जवाहरलाल नेहरू के काल में रहते हैं, फिर श्रीमती जब इंदिरा गांधी होती तो उनके काल में मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, तो उनके इंदिरा गांधी के काल में जो उप प्रधानमंत्री रहते हैं कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई। तो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मोरारजी देसाई आते हैं, फिर उसके बाद जब मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं तो उनके काल में वो क्या करते हैं, 2 उप प्रधानमंत्री को रखते हैं, 2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो वो कौन कौन से थे, जगजीवन थे और चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन और दूसरे कौन थे, पूरा नाम था उनका, और चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे। आपको पता ही कि मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह ही पीएम बनते हैं, तो ये दोनों मोरारजी देसाई के काल में क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद यशवंत चौहान बनते हैं जो कि चौधरी चरण सिंह के बाद बनते हैं, ठीक है। फिर चौधरी देवीलाल जो हैं वो 2 बार क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 बार मीन्स क्या है कि 2 प्रधानमंत्री के काल में उन्होंने काम किया था। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, उन्होंने 2 रखे थे उप प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री रखे थे। कौन कौन रखे थे, जगजीवन रखे थे, चौधरी चरण सिंह रखे थे। क्वेश्चन बने कि किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री रखे थे, तो किसने रखे थे, मोरारजी देसाई ने रखे थे। किसको किसको, जगजीवन राम को रखा था, चौधरी चरण सिंह को रखा था। और अगर ये बोला जाए कि कौन 2 बार उप प्रधानमंत्री बनता है, तो कौन बनता है, चौधरी देवी लाल बनते, चौधरी देवी लाल, ओके। ये 2 बार उप प्रधानमंत्री, एक बार ये विश्व प्रताप सिंह के काल में बनते हैं, फिर चंद्रशेखर, उनका एक एक साल का ही रहता है, विश्व प्रताप सिंह का 89 से 90 रहता है और चंद्रशेखर का 90 से 91 रहता है। तो इनके दोनों के काल में उप प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो चौधरी देवीलाल, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी आ जाते हैं। तो इस तरीके टोटल कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे, 8 व्यक्ति, और 7 बार इनका पद का सृजन किया गया, ठीक है। तो क्या उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में है, तो नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब तक कितनी बार मंत्रिपरिषद के द्वारा इस पद का सृजन किया गया, तो 7 बार किया गया है। किस प्रधानमंत्री ने 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी, तो किसने करी थी, मोरारजी देसाई ने करी थी। तो ठीक है ना, मैंने 2 टॉपिक लिए हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। तो इसी तरीके जितना भी हमारा पार्ट 5 में है, पहले इसको खत्म करेंगे, फिर सीरीज को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा कर लेंगे। काफी दिनों बाद हुआ है उसके लिए सॉरी, कोशिश यही होगी कि ये सीरीज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाए। इतना ही रखते हैं।